नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ। चाहे तो आप इसे बॉर्डर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पूरे स्वेटर में एज अ डिज़ाइन। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए आप इवन नंबर में कोई भी फंदे डाल लें। तो डिज़ाइन का पहला लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लें। अब ऊन अपनी ओर करें और दो फंदों को एक साथ लें और एक सीधा फंदा बना लें। फिर ऊन अपनी ओर करें और फिर इन्हीं दोनों फंदों में एक बार और सीधा फंदा। फिर ऊन अपनी ओर करें, दो फंदों को एक साथ लें और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे और इन्हीं दो फंदों में एक बार और सीधा फंदा। इसी तरह उन अपनी ओर करते जाएंगे, दो दो फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और फिर सीधा। तो हमने तीन फंदे बनाए और बुनने से पहले उनको अपनी तरफ कर लिया। उन अपनी ओर किया, दो फंदे को एक साथ लिया और सीधा बुनते हुए और एक सीधा फंदा बना लिया। फिर उन अपनी ओर किया और फिर इसी में एक और सीधा फंदा। इसी तरह हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। उनको अपनी ओर करेंगे, दो दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, फिर इन्हीं दोनों फंदों में एक और सीधा फंदा। तीन फंदे हमने बना लिया और इसे बनाने से पहले हमने उनको अपनी तरफ किया था। तो उन को अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, फिर इन्हीं दोनों फंदों में एक और सीधा फंदा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट फंदा सीधा। रॉन्ग साइड से पहला फंदा एज स्टिच है, इसे हम स्लिप कर लेंगे। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और दो को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा उल्टा फंदा बना लेंगे। फिर नेक्स्ट दो फंदे लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा। ये हमने देखिए दो फंदों से चार फंदे बनाए हैं, तो दो फंदे बढ़ गए हैं, इसलिए अब हम दो दो फंदों को एक साथ लेते जाएंगे और दो को उल्टा बुनते हुए एक कर लेंगे। दो फंदा लिया, एक उल्टा फंदा बनाया, फिर दो फंदा लिया, ये फंदा और एक ये जो जाली हमने बनाया है, इन दोनों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। देखिए यहाँ पे दो से चार फंदे बने हुए हैं, तो दो फंदे एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर ये दोनों एक फंदा लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। तो हमारे जितने फंदे थे उतने फंदे वापस हो जाएंगे। दो फंदा लिया, दो का एक किया उल्टा बुनते हुए, फिर दो फंदा लिया, दो का एक किया उल्टा बुनते हुए, दो फंदा लिया, दो का एक किया उल्टा बुनते हुए, नेक्स्ट दो फंदा लिया, दो का एक किया उल्टा बुनते हुए। इसी तरह दो दो फंदे लेते जाएंगे और दोनों को एक साथ उल्टा बुनते हुए, दो का एक करते हुए और सारे फंदे कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में एक फंदा बचेगा जिसे हम उल्टा बुन लेंगे। थर्ड रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। अब फिर ऊन को अपनी ओर करेंगे। देखिए इन्हीं दोनों फंदों को हमने लिया था, तो फिर वापस इन्हीं दोनों फंदों को लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे और फिर इन्हीं दोनों फंदों में एक और सीधा फंदा। यानी कि हमें अपना पहला लाइन ही दोहराना है। थर्ड रो में हम अपना पहला लाइन ही दोहराएंगे। इस अपनी ओर करते जाएंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, दो का उल्टा दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और फिर इन्हीं दोनों फंदों में एक और सीधा फंदा। यानी पिछले
लाइन में जहाँ पे हमने जो जैसा बुना था सेम वैसे ही इस लाइन में भी हमें बुनना है, यानी तीसरा लाइन भी पहले लाइन की तरह ही बुना जाएगा। थर्ड रो भी फर्स्ट रो की तरह ही बुना जाएगा। और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से पहला फंदा एज स्टिच है उसे स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर देंगे, फिर नेक्स्ट दो फंदों को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक कर देंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे, फिर नेक्स्ट दो फंदे लेंगे दो उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। इसी तरह दो दो फंदे हम लेते जाएंगे और दोनों को एक साथ लेके उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनके तैयार है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, एक लाइन का ही ये रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन बनके तैयार है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है ये, आप इसे अपने किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।